नमस्कार, बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अरबी के पत्ते के स्वास्थ्य लाभ के बारे में। अरबी के पत्ते अपने औषधीय गुणों और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए मशहूर है। वास्तव में इसकी खेती इसके कंद, जिसका उपयोग सब्जी की तरह होता है, उसके लिए किया जाता है। इसके पत्ते खाने के लिए उपयुक्त होते हैं, बशर्ते इनका उपयोग अच्छी तरह धो उबाल कर किया जाए। अरबी के पत्ते की सतह से एलर्जी हो सकती है और त्वचा पर जलन या खुजलाहट सी भी हो सकती है। कच्चे पत्ते खाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इससे कोई भी व्यंजन बनाने से पहले अच्छी तरह से उबाल लें। अरबी के पत्तों में विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि एक कप अरबी के पत्ते का सेवन करने से इससे आपकी दैनिक जरूरत के मुकाबले 100% से भी अधिक विटामिन ए मिल जाया करता है। इन पत्तियों में विटामिन सी और विभिन्न किस्म के विटामिन बी जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन और फोलेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन पत्तियों में मैग्नीज, तांबे, पोटेशियम, लौह और कैल्शियम की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। पकाने के बाद अरबी के पत्तों को पचाना बहुत आसान हो जाता है। ये पत्ते फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होते हैं। इस तरह यह पाचन तंत्र की कुछ समस्याओं IBS यानी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम और कब्ज से बचाता है। इसके अलावा अरबी के पत्तों में पाया जाने वाला प्राकृतिक फाइबर कोलन कैंसर का खतरा भी कम करने में लाभकारी साबित होता है। अरबी के पत्तों में मौजूद विटामिन ए की भरपूर मात्रा आँखों समेत शरीर के अन्य अंगों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह आँखों की रोशनी तेज बनाए रखने के साथ साथ मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, अंधापन और मोतियाबिंद जैसी आँखों की विभिन्न समस्याओं की रोकथाम करने में मदद कर सकता है। यदि नियमित रूप से अरबी के पत्ते के ताजा बने व्यंजनों का सेवन किया जाए तो इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव करने में मदद मिलती है। ऐसा इसमें मौजूद विटामिन सी की प्रचुर मात्रा के कारण होता है। विटामिन सी एक तरह का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों से लेकर कुछ किस्म के कैंसर तक के बचाव करने में मदद कर सकता है। अरबी के पत्तों में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, जबकि वसा यानी फैट की मात्रा 1% होती है। इसलिए यदि आप उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित हैं तो इसे प्राकृतिक तरीके से कम करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन आहार होगा। अरबी के पत्तों में मौजूद मेथियोनीन और फाइबर ट्राइग्लिसराइड को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए स्वस्थ रहना हो तो अपने भोजन में अरबी के पत्तों को नियमित रूप से शामिल करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर एक महत्वपूर्ण विटामिन फोलेट के सेवन की सलाह देते हैं और ये अरबी के पत्तों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए फोलेट यह अनिवार्य विटामिन है। यह तंत्रिका ट्यूब दोष जैसे महत्वपूर्ण जन्म दोषों की रोकथाम करने में मदद कर सकता है। आयरन शरीर के लिए अनिवार्य खनिजों में से एक है, क्योंकि यह RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह शरीर में विभिन्न अंगों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। एनीमिया यानी शरीर में आयरन की कमी से पीड़ित लोगों को रोजाना अरबी या इसके पत्तों का सेवन करना चाहिए। इससे न सिर्फ आयरन की कमी पूरी होती है बल्कि थकान और कमजोरी से भी बचाव होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि अरबी के पत्ते से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।